सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रहे आरिफ अकील का आज सुबह भोपाल के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके विधायक बेटे आतिफ अकील ने बताया कि रविवार शाम को सीने में दर्द की शिकायत होने पर ओपेलो सेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आरिफ अकील को पिछले साल हार्ट में दिक्कत हुई थी। पिछले साल की शुरुआत में ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी। डॉक्टरों की जांच में उनके हार्ट में ब्लॉकेज पाए गए थे। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उनके हार्ट की सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा। बेटे आतिफ को पार्टी से भोपाल उत्तर से उम्मीदवार बनाया तो वे पूरे समय जीप और व्हीलचेयर से वोट मांगने निकले थे। 1990 में आरिफ अकील पहली बार उत्तर विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। 1993 में बीजेपी के रमेश शर्मा ने अकील को हरा दिया था, लेकिन इसके बाद से उत्तर विधानसभा सीट आरिफ अकील का गढ़ बन गई थी। साल 1998 से लेकर 2018 तक के चुनाव में इस सीट पर अकील का दबदबा ही कायम है। वो 6 बार भोपाल उत्तर सीट से विधायक चुने गए। तबीयत खराब रहने के चलते 2023 में आरिफ की जगह उनके बेटे आतिफ अकील को कांग्रेस ने भोपाल उत्तर से उम्मीदवार बनाया। आतिफ इस सीट से विधायक है। आरिफ अकील 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं।